नमस्कार। वंदे मातरम। वैद्य निर्माण क्रांति के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। हम रसोई घर का एक अनुभव अपना है जो सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। अभी पिछले 25 तारीख को मेरी वाइफ को यूटीआई की समस्या हो गई थी। यूरिन पास करते समय बहुत पेन हो रहा था और जलन हो रही थी। यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ता था, तो इसके लिए हमने गोविंद भैया को संपर्क किया। उन्होंने मुझे बताया रसोई घर से 3-4 इलायची को 1 कप पानी में कूट कर आधा रहने तक उबालें और फिर उसे पिलाएं दिन में 3-4 बार, और सफ़ेद तिल को 1 चम्मच सफ़ेद तिल दिन में 3-4 बार चबा चबा कर खाने को बोला। मैंने ये उपाय किया लेकिन उससे कोई खास आराम नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने उन्हें फिर से समस्या बताई तो उन्होंने मुझे बताया रसोई घर से धनिया, मिश्री, सौंफ सभी की 1-1 चम्मच मात्रा 1 गिलास पानी में आधा रहने तक उबालें और उसे पिलाएं दिन में 3 बार। मैंने ऐसा ही किया। मेरी वाइफ को सिर्फ 3 ही खुराक में यूटीआई की जो भी दिक्कत थी सारी सही हो गई। ना तो फेन रहा, ना जलन रही, बार बार जो यूरिन पास करने को जाना होता था वो भी सही हो गया। मैं इसके लिए होम्योपैथी में दवाई भी लेकर आया था लेकिन रसोई घर की चीज़ों से ये सारी समस्या सही हो गई। होम्योपैथी की दवाई अभी रखी हुई है, वो मैंने खिलाई नहीं। होम्योपैथी में इसके लिए हम कैंथ्रिस क्यू, सारसा फरेला क्यू लेकर आए थे। तो हम सभी से विनती करना चाहते हैं कि कोई भी समस्या हो सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा अपने रसोई घर की चीज़ों का उपयोग करें, उसके बाद होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को अपनाएं या आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाएं। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को बहुत ही विकट परिस्थिति हो या बहुत ही गंभीर परिस्थिति हो तभी अपनाएं, अन्यथा ज़्यादातर होम्योपैथी और आयुर्वेद घरेलू इन तीनों चिकित्सा पद्धतियों पर ही भरोसा करें। इससे क्या होता है, इससे व्यक्ति का स्वास्थ्य भी सही रहता है और समृद्धि भी बनी रहती है। ऐसे कई सारे अनुभव हैं जो रसोई घर की चीज़ों से बहुत ही चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसे मैं एक एक करके सभी के साथ धीरे धीरे शेयर करेंगे।